आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम फिर मिलेंगे शांतनु जी से। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या आगे बढ़ाया है अपने काम को। भुला दे डर, कुछ अलग कर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई, मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स हमें और आपको देख रहे हैं, पहले तो उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी किसान भाइयों को और सभी रवि जॉन फार्मिंग लीडर के दर्शकों को। मेरा नाम शांतनु है और मेरी कंपनी का नाम सात्विक फूड एंड फार्म्स है, जो कि ग्राम कुलपुर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। तो शांतनु जी, आप किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से किसानी में आने के बाद और फिर एक कंपनी बनाने की जरूरत पड़ गई? कभी ये प्लानिंग नहीं थी कि यहाँ तक पहुँचेंगे और अपने प्रोडक्ट्स पैक करेंगे और मार्केट करेंगे, कभी ऐसा प्लान नहीं था जी। स्टार्टिंग हुई थी जब सबसे पहले हमने स्टीविया लगाई थी और जिसके साथ लगाई थी, जिस कंपनी के साथ लगाई थी, उसने हमारा मटेरियल नहीं खरीदा। अच्छा। तो वहाँ से सारी ये चीज़ें शुरू हुई और उसी के बाद से मैंने कहा ये बीच के लोग, जितने भी लोग हैं या जितनी भी कंपनियां हैं बाजार में, आप अधिकतर देखोगे, आप जितने भी किसानों से भी बात करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रचंड में फंसे हुए हैं जी, मैं जी। प्रचंड इसलिए बोल रहा हूं इसको कि आप 99% जो कंपनियां हैं, कोई भी किसान का माल वापस खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। उनकी जो डीलिंग है सिर्फ एक पौधा बेचने तक है और जिस दिन उन्हें पौधे के अपने पैसे मिले और उस दिन फिर वो किसान भी उस कंपनी के पीछे पीछे रहते हैं। बिल्कुल। मेरे पास भी रोज की 10-20 कॉल ऐसे होते हैं कि सर हमने उस कंपनी के साथ ये चीज़ लगाई थी, हमने ये लगाई थी, आप बिकवा दो। मैं अकेला क्या क्या किसी का बिकवा दूँ, मैं तो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर परेशान था स्टार्टिंग में। पर लेकिन आज ये है कि मार्केट भी इस्टेब्लिश कर ली है और इतने कस्टमर भी बना लिए हैं तो हमें पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अपने प्रोडक्ट्स के अलावा जो भी किसान भाई हैं, जैसे मैं बताऊं कि इसमें हमारे मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब मेरे खेत से उग के जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा, नहीं सामान बेच पा रहे थे, आज उनका सामान लिया और हो सकता है कि आज वो भारत के सभी कोनों में उनका भी सामान पहुंच रहा हो मेरे सामान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शांतनु जी, जैसा कि आज एक पूरा विश्व कोविड की चपेट में है और बिजनेस सारे मॉडल सब कुछ बेकार हो चुके हैं, तो उस टाइम में आप अपनी कंपनी को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, इससे जब से ये कोरोना हुआ है लोग अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं, अपने गांवों में वापस पहुंच चुके हैं, जो एमएनसी में जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास ज़मीनें थी, वो वापस जाके कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये क्राइसिस में नहीं है। मतलब लोग आयुर्वेद की तरफ और जो बेसिकली जैसे मैंने कहा अपनी रूट्स की तरफ, जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा वापस लौट रहे हैं। तो हमारे तो सारे प्रोडक्ट्स ही उसी से रिलेटेड हैं, हमारा कोई ऐसा अमेरिकन कॉन्सेप्ट या किसी इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, हमारा तो जो खेत से उगता है वही चीज़ें पैक हो रही हैं। बिल्कुल। और उन्हीं सब चीज़ों को बेच रहे हैं हम। तो शांतनु जी, जैसे कि ये हम बॉक्स देख रहे हैं, हमारे सामने ये रखे हुए हैं, ये क्या प्रोसीजर है आपका, क्या किस तरह की पैकिंग है, इसमें क्या क्या है? देखिए, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं रिटेल तो ऑलरेडी हो ही रहते हैं, हम लोग इंडिविजुअली इनको सेल कर ही रहते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल से और जो डायरेक्ट कॉल करके भी ऑर्डर करते हैं जी, उन लोगों को भी। तो अभी क्या है कि आप देख ही रहे हो कि दिवाली आ रही है आगे जी, है ना, और बाजार की मिठाइयाँ आपको पता ही, अब लोग ज़्यादा ना बाहर निकलना चाह रहे हैं और जैसा कि समय ऐसा चल रहा है कि लोग मिठाइयों की तरफ कम ही ध्यान दे रहे हैं फिलहाल। तो हम लोगों ने गिफ्ट पैक बनाया कि एक कंपनी का ऑर्डर था फिलहाल, बेसिकली एक एमएनसी है जिसने हमें ऑर्डर दिया था, तो उसके लिए गिफ्ट पैक तैयार करा है। बाकी ये ओपन है मार्केट के लिए, कोई अगर बल्क ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट है या कोई भी अपने नियर डियर वंस को अपना गिफ्ट पैक देना चाहते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा गिफ्ट पैक देना चाहते हैं, कोई कस्टमाइज करवाना चाहता है या सिंगल बॉटल या कुछ भी करना चाहता है, सब पैकेजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे पास। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब इम्यूनिटी और सेहत से रिलेटेड हैं, इसमें से कोई भी किसी में को हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, सब नेचुरली सोर्स्ड हैं, कोई सिंथेसाइजेशन नहीं है, कोई केमिकल इनपुट नहीं है। इसमें आप शांतनु जी क्या क्या पैक कर रहे हैं? फिलहाल सर हमारे पास अश्वगंधा पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, हनी भी दो वैरायटी का है, एक लीची हनी है और एक सुंदरबन हनी है। इसके अलावा किसी को अभी जैसे अभी पैकेजिंग प्रोसेस में है, ये मिक्स सीड्स हैं, इसमें पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, और इसके अलावा चिया सीड्स की अलग एक पैकेजिंग है, स्टीविया लीव्स हैं। तो सभी इम्यूनिटी से रिलेटेड और सभी सेहत से रिलेटेड सारे। हाँ, मतलब वो ऐसी चीज पैक की है कि अगर हम ये गिफ्ट इस दिवाली बिल्कुल किसी बिल्कुल को दें तो वो देखते ही खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा और कुछ सेहतमंद कुछ खाने को मिलेगा और नेचुरली, और एक किसान के यहाँ से डायरेक्ट
किसी के घर पे पहुंच पाएगा। बहुत अच्छा आपका विचार है और बहुत ही अच्छी आपकी सोच है कि आप इस दिवाली एक कुछ बिल्कुल हटके एक नया करके लाए। तो अब आगे आप जो है इसी तर्ज में आगे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों के लिए मेरा यही मैसेज है कि मैं अभी भी यही बोलूँगा, ये कंपनीज के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि सभी अपने पौधे बेचने में और सिर्फ एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के दिखाते हैं जिससे उनके कागज़ों पे सब करोड़पति बनते हुए दिखते हैं। तो अपना भी थोड़ा सा इनपुट लगाएं, मार्केट की सिचुएशन देखें कि क्या बेच पा सकते हैं क्या नहीं बेच सकते। फिलहाल मैं किसी को अगर लगाने के लिए कुछ है तो मैं इनपुट एक ये दूंगा, स्टीविया लीव्स की जो मैं फार्मिंग कर रहा था, आज मेरे साथ कुछ 50-60 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आ रही करने के लिए, आज हमारे पास इतने बल्क ऑर्डर्स हैं कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये देखने की भी ज़रूरत है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उस हिसाब से क्या चीज़ बिक पाएगी। मान लीजिए आज भेड़ चाल ना हो कि अगर एक ने कुछ एक करा, काम करने लग गए तो एक ने कुछ करा तो सभी वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सप्लाई और डिमांड का थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। मतलब मार्केट जो है अपने माल की खुद बनाए, आपका कहने का मतलब ये हुआ? मेरा देखिए, मैं फिर यही बोल रहा हूँ, हमने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की इजी नहीं होती, तो हमारे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं थी, पर लेकिन ये है कि आप एक सही विजन के साथ काम करेंगे और आपको लगता है कि भाई मैं मार्केट कर लूँगा अपने प्रोडक्ट्स को, और आपके जैसे फॉरन एग्जाम्पल मेरे पास तो देखिए आपकी वीडियो से अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है हमारे पास। बिल्कुल। तो सब किसानों के पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, तो अब उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने पास कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं बोलूं कि जो तरीका मैं कर रहा हूं वो सब पे कारगर रहेगा तो वो सही स्ट्रैटेजी होगी नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, वो अपनी मार्केट अपने तरीके से बनाने की कोशिश करें कि क्या लगता है कि उनको कर सकते हैं और क्या उनके पास स्कोप है करने का क्या नहीं। देखिए, मेरे पुराने कॉन्टेक्ट थे, कुछ जॉब के थे, कुछ और सर्कल था, तो उन सबको मैंने जब अपने काम के बारे में बताया और ये गिफ्ट पैक के बारे में बताया तो हमें अच्छा खासा स्कोप, अच्छा खासा रिटर्न मिलना शुरू हुआ। वो ही जो अपना सर्कल था उससे ही फिर जो है माउथ पब्लिसिटी शुरू, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार किसी ने किसी को बताया तो वैसे चल रहा है अभी तक। हमने देखिए, जैसे कि मेरी वेबसाइट है sattvicfarms.com के नाम से, वो अभी प्रोसेस में है, वो भी अभी भरी नहीं है, कोशिश है उसको दिवाली से पहले पूरी तरह कंप्लीट करने की। और फिलहाल अभी भी अगर किसी को ऑर्डर करना है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसको ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी सप्लाई चाहिए जिस भी तरीके से चाहिए वो स्पीड पोस्ट के थ्रू कोरियर के थ्रू पहुँचाया जा सकता है। तो शांतनु सर, अगर कोई मेरा बहन भाई हमें और आपको देख के, और ये पैकिंग इतने सुंदर और इतने अच्छे हेल्पफुल चीज़ें हैं सभी, और वो इस दिवाली किसी को ये गिफ्ट देना चाहे अपनी तरफ से, ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो वो आपसे कहाँ कांटेक्ट करे और कैसे कांटेक्ट करे और इसका रेट क्या है? मैंने बात तो रेट की है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है जी। अगर किसी को बल्क ऑर्डर प्लेस करना है, कोई कॉरपोरेट है, कोई बड़े गिफ्ट पैक्स लेना चाहता है 20, 25, 30, 100, 150, तो उस पर डिस्कस कर सकता है और कुछ डिस्काउंट और उसके हिसाब से स्पेशल प्राइसिंग भी दी जाएगी उसे। और उसके अलावा फिर इसमें कस्टमाइजेशन भी है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई अपने प्रोडक्ट्स, मतलब फॉरन हमारे पास 9-10 प्रोडक्ट हैं हमारे, किसी को कोई बॉटल लगवानी है, किसी को कोई चीज़ नहीं ऐड करवानी है, मतलब तो प्राइसिंग में 5 बोतल है, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्राइसिंग 5 में से कौन कौन सी रखवाएं उसी हिसाब से प्राइसिंग उस पर वरी करती है। उसके अलावा फॉरन एग्जाम्पल, ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसमें एक मोरिंगा, एक शतावरी, अश्वगंधा, हल्दी और एक हनी की बॉटल है। इसकी कॉस्टिंग हमारी होलसेल प्राइसिंग 950 है, जिसके लिए मिनिमम ऑर्डर 10 बॉक्सेस का होना चाहिए। और रिटेल हम लोग इसको 1300 पे करते हैं अगर कोई सिंगल बॉक्स मंगाना चाहता है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ऑल ओवर इंडिया जहां भी बोलेगा उसको कोरियर के साथ पहुंचेगा ही। और इसके अलावा क्या है कि अगर कोई भाई नहीं चाहता कि 5 बॉटल्स किसी को गिफ्ट करे, बजट भी है और किसी को कोई ज्यादा गिफ्ट ऑर्डर करने हैं किसी के साथ, तो स्पेशल पैकेजिंग भी करी जा सकती है। किसी को 2 बॉटल पैक करानी है किसी चीज की या सिंगल मंगानी है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है जिस पे जाके खरीद सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सीधा ऑर्डर करें और जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पे पहुँचा के देंगे। तो शांतनु जी, आपने अपने सात्विक फूड एंड फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये इतनी अच्छी पैकेजिंग करी कि लोग देखते ही आदमी की दिवाली शुभ हो जाए, मंगलमय हो जाए। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें जी। मैं आपको बता दूँ कि ये बॉटलिंग तो चलिए ग्लास की है, किसी कंपनी से आती है, हमारी ये रस्सी भी एक किसान है जो बनाता है उसके पास से आती है, ये जो बॉक्स है ये भी एक छोटा कारपेंटर है हमारे गांव का, उससे तैयार करवाते हैं जी। तो हाँ, और ये जो पैकेजिंग भी जो है हमारे किसान ने थी बनाई है, और जो हमारे प्लास्टिक वगैरह किसी कंपनी का, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके अलावा जो पैकेजिंग भी है, फिलिंग भी है, वही सब गांव के लोग ही करते हैं यहाँ पे जी जी। तो सब कुछ रोजगार भी मिल रहा है 2 लोगों को इसके साथ साथ, और चल रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब फिलहाल तो मार्केट हम तो कर ही पा रहे हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही हमें पर्सनली। तो शांतनु जी, आपने ये सब बातें बताई,
और बहुत ही अच्छा आपने ये सब समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जो साथियों ये वीडियो आपने देखी, अगर शांतनु जी की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।